प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना भी की। तो महाकुंभ 25 का लोगो, वेबसाइट, ऐप आज सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे। प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जहां महाकुंभ 2025 का लोगो और वेबसाइट और ऐप वो आज लॉन्च करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। तो घाट पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना भी की। और बता दें कि महाकुंभ 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप का लॉन्च कार्यक्रम आज होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ से लॉन्च करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो घाट पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। महाकुंभ 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च करने वाले हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं और घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। महाकुंभ 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप भी आज लॉन्च करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। प्रयागराज के दौरे पर आज वो रहे, नौका विहार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा भी की है। महाकुंभ 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप को आज सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं, घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना भी उन्होंने की और महाकुंभ 2025 को लेकर समीक्षा करते हुए भी नजर आए। महाकुंभ लगने वाला है, तो इसको लेकर के तैयारियों का जायजा रख लेंगे। आए थे किसी भी सबसे पहले उन्होंने गंगा घाट पर जाकर के पूजा अर्चना की। उसके बाद अब जो तमाम जो कार्य है उसको देखेंगे। इससे पहले बता दें कि वो मेला प्राधिकरण कार्यालय जाकर वहाँ के कुंभ के लोगों को और उसके साथ ही साथ किसी वेबसाइट जो है उसको लॉन्च करेंगे। उसके बाद से आगे का कार्य जो है वो शुरू होगा। इसके साथ ही साथ आप बता दें कि तमाम जो परियोजनाएं हैं उसका वो निरीक्षण करेंगे और गर्भवाज आश्रम जाएंगे, वहाँ पर वो निरीक्षण करेंगे कि कुंभ काम में कौन अगर कितनी तेजी की गई है, कुंभ का काम कितनी प्रगति पर है और कुंभ के काम में क्या कमियां है इसको भी वो देखेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि साधु संतों के साथ जो सेना अखाड़े हैं उनके साधु संतों के साथ वो बैठक करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। कुंभ की बात करें तो कुंभ में 13 अखाड़े जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, इसमें तमाम साधु संत लाला सन्यासी जो है वो आते हैं। ऐसे में उनकी प्राथमिकता क्या है, उनके उनकी मांगे क्या है, इनको लेकर के वो बैठक करेंगे। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो साधु संतों की जो अखाड़ा परिषद जो है उसकी बैठक हो चुकी है, तमाम प्रस्ताव जो है वो पास किए गए, जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे। इसीलिए साधु संतों की बैठक जो है
जो अभी इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे जो कार्य जो कार्य चल रहे हैं, तो मिशन लेकर विकास कार्य जो चल रहे हैं, चाहे शहरीकरण की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो, इसके साथ ही साथ जो ओवरब्रिज बन रहे हैं, उन तमाम चीजों की स्थलीय व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे। क्योंकि शिक्षण मंत्री की बात करें तो तुमने सोचा लेकर के तमाम जो बजट है वो पास किए गए हैं। ऐसे में जब कमरे में चाहे सरकार खर्च कर रही है, शिक्षा स्थलीय व्यवस्था की सूबे के मुख्यमंत्री आए हुए, और अब बागोर ये माना जा सकता है कि सूबे के मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों में ले रहे हैं और उसे बता स्थलीय व्यवस्था वो करेंगे। इसके साथ ही साथ ये तमाम जो अधिकारी है उनसे मीटिंग करेंगे, उनसे जानेंगे कि तुम को लेकर के क्या काम चल रहा है, उसकी प्रगति क्या है, क्या दिक्कतें आ रही है और कब तक वो काम जो है वो पूरा हो पाएगा, इसकी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री लेगी। अमित, जिस तरीके से समीक्षा यहाँ पर करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि महाकुंभ 2025 को लेकर सरकार की जो सजगता है वो और ज़्यादा दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में अब जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं तो 2025 महाकुंभ को लेकर जो तैयारियाँ हैं वो बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिलेंगी, इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर बात करें तो ये 2019 में जिस तरीके से निकला था, उसके बाद योगी सरकार का ग्राफ जो है वो काफी हाई हुआ था, काफी ग्राफ जो है वो बढ़ा था। तो ऐसे ही अगर बात करें तो 2019 जिसके बाद 2025 को मुझे और बेहतर बनाने की तैयारी जो है वो योगी सरकार में देखने को मिल रही है। इसमें काफी साथ बता दें कि जो बजट है वो भी ज्यादा बढ़ाया गया है, क्योंकि पिछली बार का बजट कम था, उसके बजट को बढ़ाया गया है, व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है, और यहाँ पर लाखों की आबादी के जो टेंट बसे हुए थे वहाँ पर सुविधाएं तमाम जो बेसिक चीजें है वो मुहैया कराई जाएंगी। इसको लेकर के जो है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो अब कुछ ही समय जो है वो बचा हुआ है कुंभ को लेकर के, तो जनवरी से लगने वाला कुंभ का विशाल मेला जो है वो आयोजित होगा। इसको लेकर के तमाम तैयारी जो है वो मुख्यमंत्री देखने आएंगे कि आखिर में तैयारी कहाँ तक पहुंचती है और काम का प्रगति जो है वो कहाँ तक पहुंचा है, इसकी रिपोर्ट वो ले लेंगे। चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।